नॉटिंघम टेस्ट मैच में टीम इंडिया इतिहास रचने के बेहद करीब है। बड़ी बात यह है कि मैच के चौथे दिन जहां पर हर कोई ये सोच रहा था कि टीम इंडिया जीत दर्ज कर लेगी, वहां पर बेन स्टोक्स और जॉस बटलर की 162 रनों की साझेदारी ने टीम इंडिया को विकेट से वंचित रखा। लेकिन उसके बाद आया बुमराह का सैलाब। जी हां, चोट से वापसी कर रहे टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने जैसे ही दूसरी नई गेंद अपने हाथ में ली, एक के बाद एक अंग्रेजी बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया। बुमराह की घूमती गेंदें अंग्रेजी बल्लेबाजों को समझ नहीं आई। ऐसे में सबसे पहले जॉस बटलर और उसके बाद जॉनी बेस्टो का लगातार दो विकेट लेकर बुमराह ने टीम इंडिया की मैच में वापसी करा दी। साथ ही बुमराह ने 5 विकेट भी अपने नाम कर लिए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बुमराह आगे भी टीम इंडिया के लिए इतना बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। अगर बुमराह ऐसा प्रदर्शन करेंगे तो टीम इंडिया सीरीज भी जीत सकती है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।